बेगूसराय पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार के साथ चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में दो मुंगेर का, एक खगड़िया और एक बेगूसराय का बदमाश शामिल है। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक देसी मास्केट, चार पिस्तौल व 9 कारतूस बरामद किया है। दरअसल चकिया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सिमरिया गांव की नबकी बिन टोली में कुछ बदमाश हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने जुटे हैं। इसी सूचना पर सदर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर मुंगेर के रघुवीर सिंह राजाराम, खगड़िया के धर्मनाथ सिंह और बेगूसराय के रणजीर महतो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि ये बदमाश हथियार तस्कर भी हैं और यहां डकैती की योजना बना रहा था, तभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। कल रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चकिया ओपी क्षेत्र के सिमरिया घाट के नवकी बिंद टोली में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा कुछ घटना अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एसडीपीओ सदर एवं चकिया थाना के को छापेमारी के हेतु भेजा गया, जिसमें चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके साथ एक मास्केट, देसी कट्टा, चार कारतूस, 9 और 3 मोबाइल की बरामदगी हुई है। चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें रघुवीर सिंह, पेसर देव नारायण सिंह जो मुंगेर जिला के हैं और राजाराम भी मुंगेर जिला के हैं। इन दोनों के, राजाराम के में आपराधिक इतिहास भी है, वो मुफस्सिल मुंगेर थाना कांड संख्या 15-14 और मुफस्सिल मुंगेर थाना कांड संख्या 145-18 में वांटेड भी है। इसके अलावा धर्मनाथ सिंह जो खगड़िया का है, ये भी वांटेड है और रंजीत महतो जो चकिया बेगूसराय का है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। ये लोग हथियार तस्कर हैं क्या? जी, ये हथियार तस्कर है और हथियार तस्करी के ही संदर्भ में मुंगेर में केस भी दर्ज है। आज चारों एक ही गिरह के लोग हैं और एक ही साथ काम करते हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और भी था जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। किस उद्देश्य से यहाँ जुटे थे, क्या कुछ पता चल रहा है? ये डकैती की योजना से जुटे थे यहाँ पर, उसी संदर्भ में FIR भी किया गया है।